मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले मनोज जरांगे पाटिल 20 जनवरी को अंतरवाली सराठी से मुंबई के लिए कूच करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मनोज जरांगे पाटिल है जी, आप बताइए आपका ये जो दौरा रहेगा ये किस तरह रहेगा? अंतरवाली तो पै पै हम गेवराई से मादळमई पारळशिंगी ओ मार्गे नगर पाथर्डी किसगाव करके नगर सोपा शिरूर शिक्रापूर रांजणगाव वाघोली चंदन नगर शिवाजीनगर पुणे मुंबई पुणे हायवे से पनवेल वाशी चेंबूर मार्ग से जाएंगे मुंबई आजाद मैदान शिवाजी पार्क पूरे मुंबई में जाएंगे हम। अभी 23 दिन बचे हैं, किस तरह की तैयारी की जा रही है? पहले जोर जोर से चल रही है वो ट्रैक्टर टेम्पो ट्रक गाड़िया जीपा वो सब बाहर का आए मराठों ने जी लय तैयारी चल रही है। पिठन मिठन बाजरेन जवरेन वो सब खाने का पूरा खाने का पूरा आरक्षण भी लेके आने का आशा ठहरा है। 20 तारीख को निकलेंगे आप यहाँ से, कितने दिन लगेंगे पहुँचने? दिन में मोजे नहीं हम दिन फिर मोजे थे नहीं हम कना कना निकते 20 को हम कना कना जाएंगे जितना दिवस लगेगा उतना दिन चलने का उधर जाने का रात दिवस भर रात भर खाने का कच्चून अनकच्चून आरक्षण लेके वापस आने का जी ये ठरा है। घर घर के मराठे मराठे आप करोड़ों की संख्या नहीं पूरे से पूरे मुंबई जाना रहे एक भी रुकने वाला नहीं इतनी घर को पूरे के पूरे हमारे पोरों का बड़ा अपन बड़े होने वाले दे इधर का है घरे नहीं थामेंगे पूरे मनले सगले मनले मराठे जी लोग हम चलो हम भी आते हैं। लंबे समय से जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो भी आपसे मुलाकात कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन दिया गया है आपको आरक्षण के लिए अब तक। ये तो गोंधळ झाला ना मग गोड़ गोड़ बोल के वो आरक्षण नहीं देते फसीते देंगे देंगे मंथिन देंगेच नहीं देंगे तर कवा मग आम्हीच म्हणलं चलो बंबई सब मराठी बंबई का मुंबई को देखो तो तुम मजा कसा आता आरक्षण देते असते ती ते उधर जाते गे अगर बात की जाए परमिशन की तो क्या परमिशन का कहाँ तक के बात पहुंची है? पहुंचित नहीं आणखी ना हम इधर पहुंचे दवाखाने में वो इथून जाने हाँ मग निवेदन देणार मग ते परवानगी देंगे हमको परवानगी देंगे ना वो हमको क्यों नहीं देंगे उपोषण कर रहे बाबा उपोषण की शांतता आंदोलन असतो नहीं देंगे तरी आम्ही जाऊन बसत असतो तिथे आपका मुंबई कहना है कि जो बॉम्बे जाएंगे आप शांतता से पूरे हर चीज का नियोजन रहेगा, लेकिन पिछली बारी जब ट्रैक्टर का बात आई थी मुंबई जाने के लिए उस समय सरकार की तरफ से नोटिसेस भी दी गई थी आपको। उस तो काम का है दूसरे हमको नोटिस देते ना हम बेते का मराठे बेते नहीं नोटिस दिल्यावर तो मराठे जास्त निघाले थांबतेच नाही आप मराठे नोटिस देणे तर तिकडे काय करा हम जाएंगे म्हणजे जाएंगे परवानगी देंगे तरी जाएंगे नाही देंगे तरी जाएंगे कारण बंबई में जाएंगे बघ देखो जातो का नाही आम्ही बघा ये बार म्हणून मग आडू तू तू नुसतं आडे आहे म्हणा देखेंगे तेर को जी सरकारी नुमाइंदों का ये भी कहना है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में मुंबई में जाते हैं तो मुंबई कुछ जाम भी हो सकता है। जाम होऊ देना मलका करायचे मग दोन चार जण जाऊन देंगे नाही ना दोन चार जण तो कटळून गेले आमचे जय जय ये माघारी पिछे पिछे आहे किती बाऱ्या हमने किती बाऱ्या टाइम दिया मग आज लय मोठे जाएंगे तर आप कसे लय मोठे जाएंगे तर लय मोठा घेऊन येंगे आप जी आपने इंदिरा साहनी का भी जिक्र किया था रिपोर्ट का, उसमें कहा गया था कि 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये बोलो तो ना मग मी सरकार को तुम मत वो देव टिकी टिकेगा नहीं वो परत हमारी फजीती परत आंदोलन करून मोर्चा करून वो परत फजीती फजीती करण्यापेक्षा ओबीसी में मराठा हाई ना देव ना वो देंगे तो हम तुम्हारा मजा होगा हमारा मजा होगा अपन देतेच नहीं वो हम आप बगन कसे लाते आप वोच क्यूरेट पिटीशन का भी मामला है, 24 तारीख को उसका भी निकाल लगने वाला है। कोणाल में लगने वाला है कत्ता सदला टकने वाला है हम त्यासाठी म्हणतो आम मुंबई में जाने वाले आपलं आहे ओबीसी में आरक्षण वो सबको घेऊन येंगे आणि काय तिकडे आखिर आपकी डिमांड क्या है, मराठाओं को कितना आरक्षण मिलना चाहिए? पूरे मराठे को कितना म्हणजे काय तिकडे किलो मिले नहीं मिलता पूरे को घर घर में आरक्षण पाहिजे आम्हाला पूरे मराठे पूरे घर घर में के पूरे आणि ओबीसी में तो मुली उली देंगे तो हम नहीं घेंगे पूरे
ये है मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे पाटिल, और इनका साफ कहना है कि जो मराठाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए वो सरसगट देना चाहिए।